हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अभी हमने 100 पेट्रोल से डाल के लिया है। अभी हम चलते हैं टाइटन पे जो कि मासा मंदिर है, वो गोवा में जो कि फर्स्ट फेमस मंदिर है यहाँ पे मंदिर है। तो हम चलते हैं वहाँ पे, अभी वहाँ पे आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है, तो किस तरह वहाँ पे पूजा होता है। और जब जब ये गंजाने मन को लिया था तो फर्स्ट जब आप पिकअप हमने उधर से किया था, उधर से ही किया था, वहाँ से ही राइड किया था हम लोगों ने, वहाँ तक डैडी लेके आए थे मासा से। तो चले गए, चलते हैं। बाकी आज हमारे साथ है छोटू, इनका नाम है सुबोध, हम लोग प्यार से इनको छोटू बुलाते हैं। तो आज हमारे साथ है छोटू भाई एंड पीछे जाने मन, एंड अभी पेट्रोल पंप से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो चले गए, चलते हैं फिर मिलते हैं। अपना एरिया है गाइस, ये देखो गाइस, ये पूरा अपना एरिया है पूरा, जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं गाइस। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अभी चले गए फिर चलते हैं। चले गाइस निकलते हैं यहाँ से। आप सबको तो पता चल ही गया होगा इंटर देख के कि हम लोग ऐसे रोड क्रॉस करते हैं तो देखना चाहिए। तो आप सब लोग को इंटर देख के पता चल ही गया होगा। देखिएगा ये इनका ड्रीम बाइक है, छोटू भाई का MT15 ड्रीम बाइक है छोटू भाई का। गाइस ये हमारा सागर भाई का स्कूल है, यहाँ पे उन्होंने 1 से लेके 10 तक यहाँ पे फर्स्ट ये किया है, पढ़ाई किया है यहाँ पे। गाइस आप सब लोग को इंटर देख के पता चल जाएगा हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। गाइस आप सभी जब राइड पे निकलते हो तो हेलमेट लगा कर निकलना, क्योंकि सेफ्टी पर नियम रहता है। हाँ गाइस, सेफ्टी का मतलब ये क्योंकि आपका मॉम और डैड ने परमिशन देता है आपको जाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी कर सकेंगे, जैसे कि हेलमेट नहीं है, सेफ्टी नहीं है, गार्ड कुछ नहीं, बिना सेफ्टी का कुछ नहीं करना है गाइस। मेन सेफ्टी रहना मांगता पहला बात, तो जैसे कि अपना हेलमेट रहना मांगता और अपना सेफ्टी गार्ड रहे, जैसे देखो हमारा सागर भाई ने पहना हुआ है ग्लव्स। और एक गला कभी मैं किधर में जाने का नहीं राइट पे, तो साथ में आपके साथ में एक पार्टनर बंदा होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ होगा तो पीछे वाला कम से कम इन्फॉर्म करने को तो मैसेज मिलेगा। गाइस ये अपना उपासनगर मतलब चूनी नगर का बेस्ट रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नाइट शो के लिए हमको कुछ चाहिए होता तो बेस्ट होता है, बट यहाँ का बजट थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी हर तरह का फैसिलिटी है। अच्छा फैसिलिटी है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कुछ इस तरीके, हाँ हाँ हाँ, कुछ इस तरीके की जगह पे, एंड हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट। तो आज हम लोग जा रहे हैं टाइटन मालसा मंदिर पे। अच्छा मंदिर है गाइस, बहुत बड़ा मंदिर है, एंड ये अपना जाने में जब लेके आया था ना वहाँ पर भी पूजा वगैरह किया था, एंड वहीं पे हम लोग फर्स्ट राइड भी मार रहे थे जाने मन की। तो यहाँ पर ट्रैफिक होता है यार, देख कर जाना पड़ता है गाइस। यही पर हमको BMW 1250 दिखा था, तो दोनों तरफ से देख ले गाड़ी एंड फिर निकले। अरे भैया, तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं सॉरी, तो गाइस हम लोग स्लो पे ही जाएंगे, आराम से जाएंगे, स्पीड जाना नहीं है हमको। एंड क्या बोलो गाइस, आप सब लोगों ने पिछले वाला ब्लॉग देखा होगा मेरा, जो दो पार्ट बनाया गया है उसका। तो वैसे क्यों ऐसा बनाया, बिकॉज बहुत बड़ा हुआ था ब्लॉग, उसका जैसे दो पार्ट बनाया उसका। एंड गाइस उससे पहला वाला जो थर्ड लास्ट वाला ब्लॉग है उसमें लास्ट पे कॉपीराइट आया था, इसका वजह से मैं बता नहीं पाया कि बाइक बुक हुआ या नहीं बोलकर। तो ये वाला ब्लॉग मैं बताता हूँ गाइस मैं आपको, कि हम लोग बाइक वगैरह बुक डन कर दिया है, एंड हम लोग कल जा रहे हैं यानी कि मंडे कल जा रहे हैं बाइक लाने के लिए, बाइक लेकर आते होगा इस कल जाते हैं। ब्लॉग में मैं डाल दूंगा, नेक्स्ट वाला ब्लॉग वही रहेगा हमारा। तो कल लेट्स सी गाइस, और एक बाइक बुक होता होगा अपना गाड़ी के लिए, एक बाइक बुक करना है जो रॉयल एनफील्ड का है, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। तो देखते हैं वो होता है या नहीं, हो जाए तो बस है। एंड वो भी वो जो गाड़ी है वो अभी 8 महीना कम्प्लीट हो चुका है, आई गेस 8 या 9 महीना कम्प्लीट हुआ है। तो एक्चुअली 12 को
ये वाला गाड़ी, मतलब जितना भी हमारा घर पे गाड़ी है, बाइक से जितना भी, वो सब F312 का ही है। हमारा पल्सर का पकड़ा, पल्सर का हो गया अभी, ये वाला एप्रिल आया तो 14 साल होता है उसका, 14 ईयर, F312 का ही होता है। एंड इम्पल्स का 12 साल होता है, F312 का ही। एंड रॉयल इनफील्ड और ये जो KTM है, ये दोनों 1 साल होता है, F312 को। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो नेक्स्ट गाड़ी आएगा वो भी F312 का ही होगा। तो कल जाके चेक करते हैं F312 तो मिलता है या नहीं, गाड़ी लाना ही लाना होगा, बिकॉज F312 को नहीं तो डैडी का वो बर्थडे का दिन, दोनों में से एक दिन बल्लाना ही है। एंड ये देखिए किया का शोरूम चेक करिए। तो गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं बिरला क्रॉस, तो बिरला क्रॉस से हमें लेना है राइट टर्न, दैन लेफ्ट टर्न, दैन फिर से एक ये आता है सर्कल, वहाँ पे जाके राइट टर्न लेना है। एंड गाइस आप कभी भी बाहर निकलते हो तो हेलमेट वगैरह पहन कर निकलना। ये देखिए भाई सामने है बिरला क्रॉस, यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न, सिग्नल ग्रीन ही है सर, ओ 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 रेड नहीं वाला है, बैठ गए चलो या था बैन रेड हुआ बाद में छोटे जाने वाला कार कार तो निकाल दिया। एंड गाइस ये चेक करिए अपना ताज होटल बोलकर, बढ़िया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक मुस्लिम का स्कूल है एंड दरगाह भी है। तो हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट, तो वैसे सब वरना इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से ये एरिया तो जानते हैं सब लोग। यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेंगे वो क्या इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, चेक करिए इंडस्ट्रीज कंपनीज वो सब ही मिलेंगे यहाँ पे आपको। एंड कर्नाटक भी जाना हो तो वहीं से जाता है रोड भी। स्कूटी को जगह गाइस रिक्शा में लेकर जा रहे हैं, बंद हुआ रहेगा मेरा कॉल से स्कूटर। एंड सिग्नल है लाल, वेट करना है। इस तरीके की जगह पर आ चुके हैं हम लोग। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ कंपनीज मिलेंगे एंड ऑटोमोबाइल्स। तो वहाँ पे आगे है एक ऑडी का शोरूम है, कार का शोरूम ऑडी का। हम लोग मालसा मंदिर जा करके हम लोग इधर जाएंगे गाइस, ड्राइव पॉइंट पे आई थिंक। रिएक्शन तो करिए। एंड गाइस आप सामने जो देख सकते हो यही मंदिर है, चेक करिए मंदिर, चेक करिए गाइस, बहुत खतरनाक है, फुल पावर। देखिए गाइस मंदिर एंड चलो गाइस अंदर चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, आप लोग देख सकते हो एंड मंदिर का एंट्रेंस यहाँ पे है, चेक कर लिया यहाँ पे एंट्रेंस है। अरे एक बात गाइस मैं बताना सब लोग को कहना चाहूँगा, सब लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ मकर संक्रांति, मकर नहीं मकर संक्रांति, मकर गाइस मकर संक्रांति बोलता है गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। तो गाइस डिलीट वगैरह डिलीट नहीं होएगा भाई। तो गाइस
अंदर जा रहे हैं हम लोग, अंदर नहीं जाएंगे, बारी ग्राउंड मार कर आते हैं। एंड छोटू भाई कुछ बोलना चाहोगे? ये है माता मंदिर जो कि हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया बघार बघार अभी, तो वहाँ पे हमने गाड़ी को पूजा किया था, तब चीटे मार की तब जाने मन को ले जाया हमने को लाया गया। एंड चेक करिए इतना बड़ा है मंदिर, जो कि आप अभी देख रहे हैं बाहर से अच्छा लगेगा, अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो और भी बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा है मंदिर। एंड लोग भी यहाँ पे हैं, पीछे चेक करिए। अभी हम पहला बाहर का राउंड मारेंगे, फिर बाद में आपको हम अंदर का दिखाएंगे, अंदर का दिखाते हैं, अंदर का बाहर का पूरा एरिया दिखाता हूँ आपको, ये चेक करिए थोड़ा बाहर का आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अंदर का पता नहीं कुछ कैसा रहेगा, उसके लिए थोड़ा वहाँ पे कैमरा वगैरह अलर्ट है कि नहीं वो पता नहीं है, तो बाहर का देख लीजिए पहला, अंदर का क्या होता है देखेंगे बाद में। छोटू भाई हमारा हेलमेट पकड़ा हुआ है, पानी है अंदर, मोबाइल वगैरह अंदर गिर जाएगा, ऊपर से चेक करिए, मोबाइल गया तो ना पाएगा, छोटा है छोटा है बोलता गया, मोबाइल गया तो क्या करेगा, इस एंजॉय कीजिए गाइस। गाइस देखो चंद हेलो गाइस, रुक 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 क्या बोला गाइस, ये देखिए ये वाला जाड़ है, क्या बोला पहला, क्या बोला है, 150 साल पुराना जाड़ है बोलता गाइस, वाह 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 क्या बंदे है गाइस, मैं किसको रहा है यार आज गाइस, ये जो हेलमेट है ये 3000 का हेलमेट है, अभी मैं आपको यहाँ का 1 लाख का हेलमेट दिखाएगा गाइस, वो देखिए गाइस गाइस, 1 लाख का हेलमेट गाइस रुपये में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ 1 लाख का हेलमेट पे हम जा। तो गाइस ये देखिए 1 लाख का हेलमेट है बोलता, ये वाला। तो छोटू भाई ये आपका है हेलमेट, तो आप ही ने बोला ना 1 लाख का है, तो आपको प्राइस भी पता है बोला, तो आपका ही रहेगा ना शायद, कहाँ पे लिखा है हमको भी दिखाओ फिर। हाँ गाइस यहाँ का स्कूल है, स्कूल है श्री महालसा नारायणा प्राइमरी स्कूल गाइस। A few moments later. तो गाइस अभी छोटू भाई गए हुए अंदर, तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने खाने का टाइम पे एग खा लिया था गाइस, तो मेरे को ध्यान ही नहीं था, अभी आके याद आ रहा है कि अंडा खाया था बोल के, तो इसका वजह से मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, अंदर छोटू भाई गए हुए हैं, उनको बोला मैंने वीडियो शूट करके ला बोल के, तो वो वीडियो शूट करके लाते हैं, मैं वो ब्लॉग में डाल दूँगा। एंड हम लोग बाहर यहाँ पर वेट कर रहे हैं सेटअप के साथ छोटू भाई का, तो छोटू भाई आने के बाद पूछते हैं उनको कहाँ पर जाना है, तो उनको पूछ कर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस चलिए अभी हम अंदर से अंदर जा रहे हैं, तो पहले मंदिर में एंट्री करते तो हम तरफ पूछते हैं, और देखिए गाइस तो यहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ है गाइस, तो देखिए गाइस के हैं मंदिर के टॉप फ्लोर पर, क्योंकि टॉप फ्लोर से इसलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि मंदिर कैसा दिखाई देगा गाइस।
चलिए गाइस अब हम चलते हैं सागर भाई के पास, क्योंकि वो नीचे वेट कर रहे हैं हमारे लिए। चलिए गाइस, तो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं गाइस। देखिए गाइस, अभी हमारा सागर भाई वहाँ पे हमारे लिए वेट कर रहे हैं। ओ देखिए गाइस वो आ रहे हैं, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस आप लोगों ने अंदर का भी देखा होगा कैसा है कैसा नहीं बोल के। अगर आप यहाँ पे पूजा करने को आएंगे तो आपको आपके यहाँ पे अच्छा वाला ये मिलेगा आपके लिए अंदर में। हाँ तो चलिए गाइस चलते हैं अभी आगे।